दलाई लामा ने एक बार कहा था, इंसान पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत कुर्बान कर देता है और फिर सेहत ठीक करने के लिए पैसा कुर्बान कर देता है। ये बात बिल्कुल सच है। ये हमारी जिंदगी का सच दिखाती है। ये बताती है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। दलाई लामा विजडम के सागर हैं। उनकी टीचिंग्स पूरी दुनिया को इंस्पायर करती हैं। वो सीधा दिल से बात करते हैं। उनकी बातों में इतना वेट होता है क्योंकि वो डीप अंडरस्टैंडिंग से आती है। ये क्वोट सिर्फ हेल्थ और वेल्थ के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के बारे में है, हमारे चॉइसेस के बारे में है, हमारे जीने के तरीके के बारे में है। दलाई लामा हमें गहराई से देखने के लिए कहते हैं। वो हमें चैलेंज करते हैं कि हम अपने चॉइसेस पर सवाल उठाएं। वो हमें अपनी जिंदगी को एग्जामिन करने के लिए कहते हैं। वो हमें डिल्यूजन से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। पूरी तरह से जीने का समय अभी है, बाद में नहीं। माया यानी इल्यूजन हमारा विजन धुंधला कर देती है। ये हमारे परसेप्शन को बिगाड़ देती है। ये हमें मिराजेस के पीछे भगाती है। हम अक्सर अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जीते हैं। ये डिल्यूजन का वेल बहुत सबटल होता है। ये पावरफुल होता है। ये परसिस्टेंट होता है। ये हमें यकीन दिलाता है कि हैप्पीनेस की कुंजी वेल्थ है। ये हमें कन्विंस करता है कि सारे जवाब फ्यूचर में हैं। हम अपनी खुशी टाल देते हैं। हम जीना टाल देते हैं। हम कहते हैं कि जब होगा तब मैं खुश होऊंगा। हम गोल्स के पीछे भागते रहते हैं। हम प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। हम आज की खूबसूरती को मिस कर देते हैं। ये डिल्यूजन हमारी ट्रू नेचर नहीं है। ये एक कॉन्स्ट्रक्ट है। ये एक हैबिट है। ये एक पैटर्न है जिसे हम ब्रेक कर सकते हैं। पहला कदम है अवेयरनेस, दूसरा एक्शन। आज की जिंदगी बहुत फास्ट पेस्ड है, बहुत डिमांडिंग है, अक्सर अनफॉरगिविंग होती है। हम खुद को एक रैट रेस में पाते हैं। हम सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं। हम उसे वेल्थ से इक्वेट करते हैं। हम देर तक काम करते हैं, खाना स्किप कर देते हैं, नींद पूरी नहीं लेते। हम अपने शरीर के सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। हम खुद को लिमिट तक पुश करते हैं। किस लिए? ज्यादा बैंक बैलेंस के लिए। स्ट्रेस हमारा हमसफर बन जाता है। एंग्जाइटी हमारा साथी, डिप्रेशन साये की तरह रहता है। हम खुद से कहते हैं कि ये टेम्पररी है। हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि समडे ब्रेक लेंगे, लेकिन वो समडे कभी नहीं आता। ये साइकिल चलता रहता है। ये ट्रैप और टाइट होता जाता है। हम अपनी ही बनाई हुई जेल के कैदी बन जाते हैं। अब समय आ गया है ब्रेक फ्री होने का। नंबर्स एक डरावनी कहानी कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस पूरी दुनिया में बढ़ रही है। बर्नआउट अब एक ऑक्यूपेशनल फिनोमिनन माना जाता है। हार्ट डिजीज जो स्ट्रेस से जुड़ी है दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है। मिलिए राहुल से, एक 35 ईयर ओल्ड एग्जीक्यूटिव। वो 14 आवर डेज काम करता है। उसने सालों से वेकेशन नहीं ली है। उसका ब्लड प्रेशर हाई है। उसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है। वो कहता है कि वो ये सब सिक्योर फ्यूचर के लिए कर रहा है। फिर है प्रिया, एक 28 ईयर ओल्ड स्टार्टअप फाउंडर। वो मुश्किल से 4 आवर्स अ नाइट सोती है। वो कैफीन और विल पावर पर सर्वाइव करती है। वो कहती है कि वो अपने ड्रीम्स चेस कर रही है, लेकिन किस कीमत पर? ये आइसोलेटेड केसेस नहीं है, ये मिलियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मॉडर्न डिलेमा को एम्बॉडी करते हैं। ये उस सैक्रिफाइस को दिखाते हैं जिसके बारे में दलाई लामा ने बात की थी। सेक्शन 5, अवेकनिंग टू ट्रू वैल्यू। रियलाइजेशन अक्सर एक झटके के साथ आती है। ये एक वेकअप कॉल होती है। ये क्लैरिटी का मोमेंट होता है। कुछ के लिए ये हेल्थ स्केयर होता है, कुछ के लिए पर्सनल लॉस। ये हमें अपने चॉइसेस पर सवाल करने पर मजबूर करता है। हम वेल्थ को अलग नजर से देखने लगते हैं। हम अपनी हेल्थ को ज्यादा वैल्यू करने लगते हैं। हम रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस को पहचानते हैं। हम सिंपल थिंग्स की जॉय को रीडिस्कवर करते हैं। ये अवेकनिंग बहुत पावरफुल होती है। ये ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। ये लिबरेटिंग होती है। ये हमें डिल्यूजन के वेल से बाहर देखने देती है। ये हमें दिखाती है कि असल में क्या मैटर्स करता है। हमें रियलाइज होता है कि हेल्थ ही ट्रू वेल्थ है। हम समझते हैं कि हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट है। हम सीखते हैं कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। सेक्शन 6, अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मिलिए अरुण से, एक फॉर्मर वर्कहोलिक। उन्हें 40 की उम्र में हार्ट अटैक आया। ये उनका टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपनी जिंदगी को रीअसेस किया। उन्होंने रेडिकल चेंजेस किए। आज वो पहले से ज्यादा हेल्थियर और हैप्पियर हैं।
अरुण की स्टोरी इंस्पायरिंग है। ये ह्यूमन रेजिलियंस का प्रमाण है। ये दिखाती है कि चेंज पॉसिबल है। ये प्रूफ करती है कि फुली जीना शुरू करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। उन्होंने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना सीखा। उन्होंने बैलेंस की जॉय को डिस्कवर किया। उन्होंने वर्क से अलग पर्पस ढूंढा। उन्होंने जिंदगी को पूरी तरह से एम्ब्रेस किया। उनका ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं था, लेकिन ये वर्थ इट था। अरुण का जर्नी यूनिक नहीं है। बहुत से लोग ये रास्ता अपना चुके हैं। वो इल्यूजन से बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने फुली जीने का फैसला लिया है, बाद में नहीं, अभी। उनकी स्टोरीज हमें इंस्पायर करती हैं। वो हमें रास्ता दिखाती हैं। सेक्शन 7, ब्रेकिंग फ्री प्रैक्टिकल स्टेप्स। चेंज एक डिसीजन से शुरू होती है। ये एक कमिटमेंट से शुरू होती है। ये कंसिस्टेंट एक्शन से बढ़ती है। पेश हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको डिल्यूजन के वेल से ब्रेक फ्री करने में मदद करेंगे। सबसे पहले पॉज करो, एक डीप ब्रेथ लो, अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करो। खुद से पूछो, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या बस एग्जिस्ट कर रहा हूँ? क्या मैं वेल्थ के लिए अपनी हेल्थ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ? मेरे लिए असल में क्या मैटर करता है? दूसरा, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, इसे नॉन निगोशियबल बनाओ। रेगुलरली एक्सरसाइज करो, हेल्थी खाना खाओ, पूरी नींद लो। ये लग्जरीज नहीं है, ये नेसेसिटीज हैं। ये आपके वेलबीइंग में इन्वेस्टमेंट है। तीसरा, माइंडफुलनेस कल्टीवेट करो, हर मोमेंट में प्रेजेंट रहो, बिना जजमेंट के अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ये सिंपल एक्ट्स आपके पर्सपेक्टिव को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। माइंडफुलनेस एक पावरफुल टूल है। ये एक वे ऑफ बीइंग है। ये एक प्रैक्टिस है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। ये आपको माया की गिरफ्त से ब्रेक फ्री करने में मदद करती है। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप फुली प्रेजेंट होते हैं। आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स से अवेयर होते हैं। आप अपने बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। आप अपने सराउंडिंग्स के साथ ट्यून में होते हैं। आप नाव में जी रहे होते हैं। माइंडफुलनेस स्ट्रेस कम करती है। ये क्लैरिटी बढ़ाती है। ये फोकस इम्प्रूव करती है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस बूस्ट करती है। ये कंपैशन नर्चर करती है। ये जॉय फॉस्टर करती है। ये फुली जीने का गेटवे है। छोटी शुरुआत करो, हर दिन कुछ मिनट्स निकालो, क्वाइटली बैठो, अपने ब्रेथ पर फोकस करो, बिना अटैचमेंट के अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। प्रैक्टिस के साथ आप खुद को ज्यादा सेंटर्ड, ज्यादा अलाइव पाएंगे। सेक्शन 9, नरिशिंग द बॉडी एंड सोल। आपका बॉडी आपका टेम्पल है। ये लाइफ में आपकी व्हीकल है। ये केयर और रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। इसे अच्छी तरह नरिश करो, इसे हेल्थी फूड खिलाओ, इसे रेगुलर एक्सरसाइज दो, इसे पूरी रेस्ट करने दो। लेकिन नरिशमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होती, आपकी सोल को भी नर्चरिंग चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करो जो आपको जॉय देती है। नेचर में टाइम स्पेंड करो, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स कल्टिवेट करो, अपने पैशंस परस्यू करो, अपलिफ्टिंग बुक्स पढ़ो, सोलफुल म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन या प्रेयर प्रैक्टिस करो। ये आपकी स्पिरिट को फीड करती है। ये आपकी कॉन्शियसनेस एलिवेट करती है। ये आपको डिल्यूजन के वेल से आगे देखने में मदद करती है। याद रखें, सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, ये एसेंशियल है। ये एक फुलफिलिंग लाइफ की फाउंडेशन है। ये आपको दूसरों की बेटर सेवा करने में इनेबल करती है। ये आपको फुली जीने देती है, नाउ और हमेशा। सेक्शन 10, एम्ब्रेसिंग द प्रेजेंट मोमेंट। हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है। पास्ट चला गया है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। नाउ ही वो जगह है जहां लाइफ होती है, जहां जॉय रहती है, जहां ग्रोथ होती है। अक्सर हम यस्टरडे या टुमारो के थॉट्स में खोए रहते हैं। हम नाउ की ब्यूटी मिस कर देते हैं। हम प्रेजेंट के गिफ्ट्स को ओवरलुक कर देते हैं। हम ट्रूली जीना भूल जाते हैं। प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस करो। अपनी स्किन पर सन की वार्मथ फील करो। बर्ड्स के सॉन्ग सुनो। अपने फूड के टेस्ट को सेवर करो। कन्वर्सेशंस में फुली एंगेज करो। ये सिंपल एक्ट्स लाइफ में रिचनेस लाते हैं। पास्ट के रिग्रेट्स को लेट गो करो। फ्यूचर की एंग्जायटी को रिलीज करो। नाउ को एम्ब्रेस करो। यही लाइफ अनफोल्ड होती है। यही मिरेकल्स होते हैं। यही आप फुली जी सकते हैं। सेक्शन 11, क्रिएटिंग अ लाइफ ऑफ बैलेंस। फुली जीने के लिए बैलेंस की है। ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं है, ये हार्मनी के बारे में है। ये लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर ड्यू अटेंशन देने के बारे में है। वर्क, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, सभी को नर्चरिंग चाहिए। बाउंड्रीज सेट करो, ना कहना सीखो, प्रायोरिटाइज करो कि ट्रूली क्या मैटर करता है। वर्क और प्ले के लिए टाइम निकालो, सॉलिट्यूड और कंपेनियनशिप के लिए, एक्शन और रिफ्लेक्शन के लिए,
गिविंग और रिसीविंग के लिए। ऐसे रिचुअल्स बनाओ जो आपको ग्राउंड करें। सुबह की मेडिटेशन, शाम की वॉक, हफ्ते में एक बार डिजिटल डिटॉक्स, ये प्रैक्टिसेस आपको एंकर करती हैं। ये आपको रिमाइंड कराती हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। ये आपको सेंटर्ड रहने में हेल्प करती हैं। याद रखें, बैलेंस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, इसके लिए कॉन्शियस चॉइसेस चाहिए। ये आपको इंटेंशनली फुली हर मोमेंट में जीने के लिए इन्वाइट करती है। सेक्शन 12, अ कॉल टू रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। अंत में मैं आपको पॉज करने के लिए इनवाइट करता हूँ, रिफ्लेक्ट करने के लिए, विद इन देखने के लिए। क्या आप फुली जी रहे हैं या आप समडे के इल्यूजन में फंसे हुए हैं? माया का वेल पतला है, इसे पियर्स किया जा सकता है। अवेयरनेस से, इंटेंशन से, एक्शन से आपके पास ये करने की पावर है। आपके पास फुली जीने की एबिलिटी है। नाउ आज से शुरू करो, एक स्मॉल चेंज करो, बैलेंस की तरफ एक स्टेप लो। 5 मिनट्स के लिए प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस करो। ये स्मॉल एक्शंस बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं। दलाई लामा के वर्ड्स याद रखें, वेल्थ से ज्यादा हेल्थ चूज करो, फ्यूचर प्रॉमिसेस से ज्यादा प्रेजेंस चूज करो, फुली जीना चूज करो, बाद में नहीं, अभी। डिल्यूजन के वेल से ब्रेक फ्री हो जाओ, लाइफ की रिचनेस को एम्ब्रेस करो। एक फुलर, मोर ऑथेंटिक लाइफ की आपकी जर्नी अब शुरू होती है।